तो मिस्टर कौशल, हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था जमीन पर उतारी जाए। आपने उसे, मैं ऐसा अंदाज लगाता हूँ कि आपने उसे बड़ी गंभीरता से सुना होगा। क्या उस बात को लेके आपके जहन में कुछ प्रश्न है? नहीं, यू फील इट्स डूएबल, और यदि ये डूएबल है तो इसे करना भी चाहिए, ठीक है ना। और इसमें कुछ एलिमेंट्स हमने नहीं बताए थे, वो एलिमेंट ये थे कि यदि मान लो आप पहले यदि एमएलए एमपी रहे हैं तो वो एक्सट्रैक्ट निकाले जाएंगे एंड आपको दिखाया जाएगा कि आपका ये परफॉर्मेंस रहा है, राइट। जब तक हम ऐसा नियम कानून नहीं बना देते हैं कि अपराधियों को टिकट नहीं मिलेगा, तब तक जो है इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी होगी कि जब आपने अपराध किया है तो पेपरों में क्या छपा था, विक्टिम क्या कह रहा है, तो उसको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मिस्टर शो एंड शो, आपने ये अपराध किया था, देखो ये विक्टिम क्या कह रहा है, देखो पेपर में क्या लिखा हुआ है। आपको जो है लज्जा नहीं आ रही है कि आप जो है ना इसके बावजूद भी चुनाव में खड़े हुए हैं, क्या हाउ ही रिएक्ट्स, राइट। उस तरीके का जो है ना होगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारा जो है इससे जरूर असर पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट छूट गया था। हमने अभी मिल इनको, गई रिकॉर्डिंग, मिल गई। हमने इनको अभी ये बताया कि इसमें अभी अपन ने सिर्फ कैनवासिंग वाले पार्ट की ग्रिलिंग को तो किया था, इसमें अकेले कैनवासिंग की ग्रिलिंग नहीं है, इसमें पब्लिक की ग्रिलिंग कई पॉइंट्स पे है। एक है आपके आपराधिक रिकॉर्ड पे, यदि यदि हम जब तक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन यदि नहीं कर पाए तो बाय एनी रीजन, तो अपराधी तो आज वर्तमान नियम के हिसाब से जो है ना उनको टिकट मिले, अब वो खड़े हो पाएंगे, टिकट नहीं देना है तो अपने आप खड़े हो जाएंगे वो। मेरे उसी में संशोधन होना बहुत जरूरी है कि तब अगर वो तो सब संशोधन कर दिए जाएंगे ना। ये देखिए, अगर आपको कहीं से आप कन्विक्ट हो गए हैं तो देखिए, आपको जो है कन्विक्शन, क्राइम फ्री भारत मिशन जो है इज प्रोमिजिंग कन्विक्शन विद इन 45 डेज, राइट। वो क्या कह रहा है कि हमने जो ये व्यवस्था पैदा की है ये तो गुलामों की व्यवस्था है, आप स्लेव हैं, राइट। आपके ऊपर अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए नियम कानून बनाए थे वो आपके ऊपर एज इट इज थोप दिए हैं। जो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए व्यवस्था बनाई थी जिसमें कि पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी आती है, तो गुलामों पर शासन करने वाली व्यवस्था हैज टू बी द लॉर्ड, आप चाहो ना चाहो वो तो लॉर्ड ही होगी ना, तभी गुलामों पर शासन करेगी। तो इट इज बॉर्न विद दैट लॉर्डशिप कॉन्सेप्ट, तो हर कोई अपने डोमेन में लॉर्ड है। 1861 से, लेकिन इसमें जो रिफॉर्म या कुछ है तो वो पूरे तरीके से नहीं हो पा रहे ड्यू टू पॉलिटिकल। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि जिसको रिफॉर्म के लिए कमेटी बनाई गई, क्या उसको ये मैंडेट दिया गया था कि आपको क्राइम फ्री भारत बनाना है? तो उनके पास कोई लिमिटेड मैंडेट था, तो उस लिमिटेड मैंडेट में भी जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी, इन दुष्ट नेताओं ने उनमें से देले भर की इम्प्लीमेंट नहीं की, वो अभी भी धूल चाट रही हैं। ढेर सारे कमेटी और कमीशन भी बने हैं, लेकिन उनको इन्होंने ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया, जबकि इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई, राइट। वो तो सभी नहीं, उसका एक सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने के लिए। अब आप उसको ये ढंग से भी लो कि आज की पुलिस जो है, जो अंग्रेजों की इतनी सेवा की है, आज जो है काले अंग्रेजों की सेवा कर रही है, तो इसको उनको किसी जना पागल कुत्ते ने काटा है जो इसमें बदलाव लाए वो। अब देखिए, मैं दूसरी बात कहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्नीस सौ छियानवे में प्रकाश सिंह, जो कि फॉर्मर DGP UP एंड BSF थे, उन्होंने जो है दो साथियों के साथ एक PIL लगाई। 10 साल की सुनवाई के बाद 2006 में एक माइलस्टोन जजमेंट हुआ जिसमें 7 बिंदु थे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का यूज करके उस जजमेंट को दिया था। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 में, संविधान की धारा जो है आर्टिकल 142 में, ये इनहेरेंट पावर दिया गया है कि जस्टिस इम्पार्ट करने के लिए दे कैन डिजाइन द मैकेनिज्म, दे कैन डिजाइन द बेस एंड मींस।
because ultimately Supreme Court should be in position to impart justice irrespective of whatever the ecosystem. तो उसमें उन्होंने जो है सात बिंदु का पॉइंट दिया था, जिसमें कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनेगा, एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड होगा, कंप्लेंट बोर्ड होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे सात पॉइंट थे. ये अपेक्षा की गई थी कि इन सात पॉइंट के इम्प्लीमेंटेशन से पुलिस जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बाहर हो जाएगी, राइट. लेकिन आप ये देखिए 2006 से आज हम 2022 में बैठे हैं, 16 साल की जर्नी में क्या इन नेताओं ने उसे इस ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया है कि आज जो है सिपाही से लेकर डीसी वो पॉलिटिकल मेहरबानी पे पोस्ट होता है, पॉलिटिकल मेहरबानी पर ही अपने पद पर बना रह सकता है. और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो छोड़ दीजिए, कंट्रोल हैज़ बिकम फुल एंड कंप्लीट. यही कारण है कि अपने अपने आंकड़ों की सेवा करने में लगे हुए ये डीजी जो है ग्राउंड पर जो है कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं, राइट. क्योंकि सब अपने अकाउंट की सेवा कर रहे हैं. और अब उसमें देखा जाए तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ये सब भी उसमें ब्रैकेट में आ गए हो गए हैं. तो वो सब अपने अपने अकाउंट की सेवा कर रहे हैं, जिसका जो भी आता है. ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं बिल्कुल. तो वही तो प्रॉब्लम, मतलब यही है ना कि जिनको इम्प्लीमेंट करना है या पार्लियामेंट जिनको मतलब काम जिनको करना है, जो भी चेंजेस करना है और वही नहीं तो, चेंजेस कर रहे हैं. चलिए तो इस को क्लोज करते हैं इस वाले इसको, क्योंकि इसको एक अलग इंडिपेंडेंट वो बना देते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि चुनाव व्यवस्था के बारे में अपन ने बात की थी, जिसमें आम सहमति है कि इसको करने से नंबर वन टेक्नोलॉजी इज नॉट ए रॉकेट साइंस, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल टेक्नोलॉजी. आम सहमति इन द पब्लिक, नॉट इन द पर्सन. अभी आप तो पब्लिक नहीं है, मतलब हम जो लोग यहाँ चर्चा की है ना, हम लोग तो नहीं, हम लोग अभी नहीं नहीं देखिए, यू आर वन ऑफ द पब्लिक, वन ऑफ द वोटर, बट देयर कुड बी जो है ना एन नंबर ऑफ द पीपल, राइट. अभी ये वाइडर डिबेट में जाना चाहिए. अभी जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं एटलीस्ट वो सहमत महसूस कर रहे हैं कि ऐसी कुछ व्यवस्था संभव है, इससे हमारी जितनी भी पॉलिटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी. नंबर वन, आज जो डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा अहित किसी ने किया है तो वो पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, क्योंकि दैट वो जो ना सत्ता के ठेकेदार बन गए हैं. तो डेमोक्रेसी नहीं रही ना, डेमोक्रेसी तो ठेकेदारों की हो गई और उन्होंने अपने लिए भर भर के जो है ना प्रावधान कर लिए. आज आप बताइए क्या ये लज्जा का विषय नहीं है कि स्वर्गीय अजीत जोगी की पत्नी को 7 पेंशन मिल रही है. एक व्यक्ति जो 2004 के बाद रिक्रूट हुआ है, इंक्लूडिंग आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर, उन्हें पेंशन का हक नहीं होगा. ये दुष्ट यदि एक दिन भी जो है ना किसी उन्होंने से शपथ ले ली अकेली, बस वही पर्याप्त है, और उसके दूसरे दिन यदि वो हाउस डिजॉल्व हो जाता है तो इन्हें पेंशन का हक है. पहले 5 साल का था, फिर कुछ टाइम का नहीं, नहीं अब तो एक दिन, अब तो शपथ लेना पर्याप्त है. हाँ, मतलब यदि आप एक दिन भी यदि एमएलए एमपी के रूप में एग्जिस्ट कर गए तो आपको पेंशन मिलेगी. आपने ऐसा क्या कर दिया है? नंबर वन, आपका चरित्र क्या है, आपकी शिक्षा क्या है, आपका सोच क्या है? आप भर भर के पैसा खर्च करके चुनाव में जीतते हैं और जिस दिन जीतते हैं उसी दिन से जो है ना आकंठ जो है ना करप्शन में डूब जाते हैं, ये बड़ी लज्जा की बात है. मैं इसमें थोड़ी सी बात और भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा इस पर विवेचन करते हैं. मैंने क्योंकि मैं तो बहुत रिसर्च करता हूँ और इसलिए मैं हर किसी को चुनौती देता हूँ कि भाई तुम भी इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करो, एक आध दो बातें और जोड़ दो. तो मैंने जो रिसर्च की उसमें ये पाया कि हमारी जो प्रॉब्लम की जड़ है वो हम जो पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं उसमें जो है ना वो जड़ है, राइट. हमने जो इसके लिए नियम बनाया पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, वो एक अच्छा नियम नहीं था, क्योंकि उसमें इंटरनल डेमोक्रेसीज, भारतीयता के लिए डूज डोंट्स, ऐसे क्या कृत्य होंगे पॉलिटिकल पार्टी के जिनको हम अपराध मानेंगे, जिसमें पनिशमेंट के प्रावधान होंगे, वो तो कुछ किया नहीं, वो तो किया ही नहीं गया है. उसमें भर भर के जो फायदे देना है इनकम टैक्स वगैरह से, वो सब उसमें दे दिए गए हैं. आज जो है आपको मालूम है कितनी पॉलिटिकल पार्टी है? 2859. 21 सितंबर को जो डाटा 2021 में रिलीज किया है इलेक्शन कमीशन में, उसके हिसाब से इतना है. और अभी उसके बाद कोई अथॉरिटेटिव लिस्ट डिक्लेयर नहीं की गई है, राइट. जिसमें 8 नेशनल पार्टी हैं, 54 जो है स्टेट की पार्टीज हैं, और बची हुई 2779 कुछ जो पार्टीज हैं वो
रजिस्टर्ड बट नॉट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। तो इतनी बड़ी पार्टियां ये किसके लिए हैं? क्या क्या अपना एक आई कार्ड बना के घूमने के लिए, विजिटिंग कार्ड इसमें लिखा हो क्या अध्यक्ष फलाना पार्टी, या अपनी गाड़ी में ऊपर जो है ना तमगा लगाने के लिए? व्हाट वैल्यू एडिशन दीज पीपल आर मेकिंग? यदि ये सभी लोग एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं तो वी कैन, जो हम अभी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब अपन एक मिनट इसको आते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी हमारा बुरा कैसे कर रही है। तो आप उन्हीं को तो चुनोगे जो आप कह भी रहे थे कि साहब क्या करें, जो सामने होगा उसी में से तो किसी को चुनेंगे। तो ये आपके ऑप्शंस को रिड्यूस कर रही है। अब आपको ऑप्शन क्या दे रहे हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला ऑप्शन आपको ये मिल रहा है कि जो व्यक्ति उनको ज़्यादा पैसे देगा उसको टिकट देंगे। तो यदि आपने 100 करोड़ दिए और मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि मैं 125 करोड़ दूंगा, तो आपका टिकट कट जाएगा, मैथिली शरण को मिल जाएगा, पहला। दूसरा क्राइटेरिया कि उस पार्टी के जो आका या बड़े नेता हैं उनके बच्चों को टिकट मिलना। यदि उनके बच्चे जीत गए तो उन्हें मंत्री भी बनना है और हो सकता है कैबिनेट मिनिस्टर भी बन जाए। ये दूसरी प्रायोरिटी हो गई। तीसरी प्रायोरिटी उनकी है कि जाति और धर्म के आधार पर जीतने की संभावना रखने वाले अयोग्य लोगों को टिकट दें। इसमें अयोग्य पे बहुत ज़्यादा जोर है। आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि साहब अयोग्य लोगों को क्यों दें? जीत की संभावना उनका क्राइटेरिया है? अरे नहीं, जीत जीत की जीत की संभावना तो सेकेंडरी है। पहले संभावना ये है कि आप योग्य तो नहीं है कहीं। देखिए, यदि आप मुझसे योग्य होंगे और मैं आपको अपने साथ ले लूंगा तो टुमारो यू विल बिकम थ्रेट टू मी। आप मुझे मेरी हस्ती को चुनौती देंगे, आज नहीं देंगे आज से 5 साल बाद दे देंगे। तो भाई हम अपने लिए चुनौती क्यों क्रिएट करें? इसलिए अयोग्य लोगों को चुनना, जितना जीतने की संभावना है। आपने ऐसा नहीं देखा है कि कई बार जो है ना हारने वालों को कलेक्ट करते हैं लेकिन दूसरे वाला जो है ना योग्य व्यक्ति नहीं जीतना चाहिए, उनको हाशिए में लगाने के लिए ये लोग जो है ना बड़े से बड़ा कुकर्म करने के लिए तैयार हैं, अपने कंप्यूटर को काटने के लिए। कंप्यूटर ना पैदा हो जाए, उसको पैदा नहीं होने। तो ये तीसरा पॉइंट कुछ ठीक ठीक लग रहा है आपको? जाति और धर्म के आधार पर जीतने की संभावना रखने वाले अयोग्य लोगों पर, और अयोग्य पे बहुत ज्यादा जोर है। यदि धोखे से कोई योग्य व्यक्ति आ गया तो जैसे ही ये रियलाइज हो जाएगा कि ये बहुत योग्य है, हमारे लिए थ्रेट बन सकता है, उसे हम एक कॉर्नर में मार्जिनलाइज कर देंगे और अगली बार तो उसे टिकट नहीं देंगे। देखिए, सेशन जी ने इतना अच्छा काम किया, सेशन के कारण ही आज जो चुनाव व्यवस्था है, सेशन को लोग उसी सेशन जी के बाद ही जानना शुरू किए हैं। नहीं, उनके भाई उसके पहले भी तो वही अधिकार थे, वही नियम थे, वही कानून थे। तो सेशन जी ने जो है इलेक्शन कमीशन का एग्जिस्टेंस प्रूव किया और वो जो है ना इस देश के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बने। किसी दुष्ट ने जो है ना उनको पूरी तरीके से हार गए बेचारे। नहीं, किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया उनको, किसी भी बड़ी पार्टी ने, भाजपा ने भी सपोर्ट नहीं किया, सेना ने शायद किया था। देखो, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, यदि आप जीते नहीं तो बेकार है, ठीक है ना? तो क्यों नहीं सपोर्ट किया? उन्होंने तो अच्छा काम किया था। क्यों? क्योंकि लोगों को ये डर हुआ कि यदि इस चरित्र का व्यक्ति यदि प्रेसिडेंट बन जाएगा तो वो इन्हीं वर्तमान की नियमों में ऐसा नियम निकाल के लाएगा कि आपकी औकात नहीं है कि आप जो है ना बदमाशी कर पाओ। औकात नहीं है, नियम कानून तो बिल्कुल बढ़िया है। अब चलिए, तो अब अयोग्य व्यक्ति तक सहमत है। अब जो नेक्स्ट चौथी कैटेगरी के व्यक्ति हैं वो है पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे लोग जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में थे, उन्होंने वहाँ पे सत्ता का सुख भोग लिया है और अब उनको लग रहा है कि वहाँ की हरियाली खत्म हो रही है और संभवतः वो वहाँ जीतेंगे नहीं, यहाँ जीतने की संभावना है। और चूंकि वो इतने साल से राजनीति से जुड़े हुए हैं तो थोड़ी बहुत उनकी फॉलोइंग भी है, थोड़े बहुत वोट भी हैं, तो उनको ये अपनी पार्टी में लाते हैं, मंच पे बिठाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, उनको टिकट भी देते हैं, उन्हें मंत्री भी बनाते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें पैसे भी मारते हैं। जैसे अभी आपकी मध्य प्रदेश की सरकार गठित हुई तो इसमें जो है ना उन दल बदलुओं को भर भर के पैसा दिया गया है, कैश पैसा भी दिया गया है, राइट? और सालों सालों तक आप जिनकी क्रिटिसाइज करते रहे, और ये तो कोई मायने नहीं रखता है भाई। सत्ता में जो है ना ये क्रिटिसिज्म, व्यक्तिगत व्यू, विचारधारा, पॉलिसी, ये तो है ही नहीं ना। ये तो ना इनके पास है ना उनके पास, इनके पास भी नहीं है, ठीक है ना? तो अब ये हो गए पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो कि सत्ता सुख के लिए अपने तरफ जुड़ना चाहते हैं, उनको ये फूल मालाएं पहनाते हैं। अब पांचवी कैटेगरी के लोग जो है उन पे आते हैं। सेशन के पहले कांग्रेस ने
गुंडों के दो तरीके के दल का यूज किया। तो बेसिकली नेहरू जी का आकलन था कि पूरी आबादी को उन्होंने चार भागों में बांटा था। एक भाग वो था जिसमें कि हम जैसे लोग थे, जिनको उन्होंने मूर्ख बना के ये गुट्टी पिला दी थी कि हमारे कारण आप जीते हो, लिहाजा आप हम आपके वोट बैंक, आप हमारे वोट बैंक बनिए, ठीक है ना। जबकि लॉर्ड अटली ने कहा है, लॉर्ड अटली से क्वेश्चन जो है ना जस्टिस चक्रवर्ती ने गवर्नर हाउस कोलकाता में 1956 में पूछा कि आपने जब जो है आप द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे, कांग्रेस मृत प्राय पड़ी हुई थी, तो आपने भारत को आज़ादी क्यों दी, इज इट बिकॉज ऑफ द गांधी और नेहरू, ये उनकी किताब में है ये बात। ही सेड नो, देयर कंट्रीब्यूशन इज मार्जिनल इफ एट ऑल। लॉर्ड अटली ने, लॉर्ड अटली हु वाज द प्राइम मिनिस्टर इन 1947, राइट, उन्होंने कहा कि उनका कंट्रीब्यूशन यदि थोड़ा बहुत है तो मार्जिनल है। फिर उन्होंने बताया क्या क्या कारण है, उस पर नहीं जाएंगे, पर ही सेड कि क्यों उन्होंने आज़ादी दी, वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो जिस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन ना हो, जो व्यक्ति जो है, जिन फौजों ने जो है ना 26,000 के लगभग लोग उसमें कैजुअल्टीज हुई, उन लोगों को जो है ना रिहैबिलिटेट ना किया हो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, और उसको उनको जो है ना ठीक ढंग से फंडामेंटल राइट और फ्रीडम फाइटर के राइट्स और ये सब ना देके, पहले तो आर्मी में ही रिहैबिलिटेट हो सकते थे वो, चलो वो नहीं किया कोई बात नहीं, तो उनको जो है ना फ्रीडम फाइटर के ही जो है ना हक दे देते, वो सब कुछ नहीं दिया, तो ये तो इनकी सोच का ही हिस्सा नहीं था, राइट। सुभाष चंद्र बोस तो उनके लिए फूटी आंखों के थे, उनके तो उनकी तो मौत का सौदा उन्होंने किया, और उनकी मौत जो है हर कोई जानता है कि जब बताई जा रही है तब नहीं हुई, ठीक है ना, और ना ही प्लेन क्रैश में हुई है, तो ये सब जो है खैर एनीवे वो अलग टॉपिक है, उस पर बात नहीं करेंगे। तो पहला जो है उन्होंने सेक्शन माना जिसको उन्होंने मूर्ख बना के ये घुट्टी पिला दी कि हमने आपको आज़ादी दिलाई इसलिए आप हमको वोट दीजिए, और ये उन्होंने इसके बावजूद भी किया जबकि महात्मा गांधी ने कहा था कि अब कांग्रेस की यूटिलिटी खत्म हो गई है, आप कांग्रेस खत्म करिए, अब जो है ना लोग दूसरी पार्टी बना के अपने हिसाब से आए, लेकिन उनको तो मालूम था कि हमको तो कोई वोट नहीं देगा, हम तो जो है ना इस कांग्रेस की डंका पीट के हमने आज़ादी दिलाई, तो इसलिए जो है उन पहले ही आबादी का हिस्सा था जिसको उन्होंने ये गुट्टी पिलाई कि मैंने आज़ादी दिलाई इसलिए वोट, ठीक है ना। फिर आप दूसरे तरीके के लोग थे जिन्हें जाति और धर्म के आधार पर तुष्टिकरण करके मूर्ख बना के जिनको वोट बैंक के रूप में डेवलप किया, राइट, तो वो इट नीड नो एलाबोरेशन। अब तीसरे तरीके की कैटेगरी जिसमें हम सब लोग ब्यूरोक्रेट सब लोग आते हैं, जिनको कुछ ना कुछ जो है ना दक्षिणा मिल गई है और वो बूटी पा रहे हैं, चाहे वो कंस्टिट्यूशनल पोस्ट पे पा रहे हो या किसी कमेटी के सदस्य बन गए हो या उनको अवार्ड मिल गया हो, तो चूंकि वो इस व्यवस्था से जो है ना प्रसन्न थे और इंटरेस्ट उनको रेंट सीकिंग मिल रही थी, तो वो कांग्रेस के फेवर में थे, राइट। इन रिहैबिलिटेट हो जाएंगे, नहीं नहीं वो तो ऑलरेडी रिहैबिलिटेटेड ही थे ना, आफ्टर रिटायरमेंट की बात नहीं है, तो पहले तो जो है ना उसी की बात करें ना, पंजाब जो सेवा में थे तभी की बात करें, तो जो सेवा से मतलब नहीं है, नौकरी पैसा की अकेली बात नहीं हो रही है, कोई किसी कमेटी का सदस्य है, किसी को एमएलए बना दिया, किसी को एमपी बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया, किसी को किसी समिति का अध्यक्ष बना दिया, किसी को कारपोरेशन का अध्यक्ष बना दिया, ये सब ड्रामा नाटक कर दिए। अदरवाइज ये जो है ना इन लोगों को जो है ना पॉलिटिकल लोगों को क्यों किसी का अध्यक्ष बनना चाहिए, क्या इनकी एलिजिबिलिटी है, क्यों 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 होना चाहिए बताइए ना। आपने कोई डिग्री नहीं किया, कोई वो नहीं किया है, आपको जो ना मेरिट पे होना चाहिए, तो आपने जो उसको भी पॉलिटिकल रूट का एक साधन बना दिया, क्या छोड़िए वो वाली बात नहीं है। अब जो चौथे कैटेगरी के लोग थे कि जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते थे और वो किसी भी कीमत पे कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनसे निपटने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा अनूठा सिस्टम निकाला जो आप सब लोग मेरे ख्याल जानते होंगे। उसमें गुंडों की दो पार्टियां बनाई गई हर जगह पे। गुंडे की एक पार्टी का काम ये था कि जो लोग इस कैटेगरी चौथी कैटेगरी वाले हैं इन्हें पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचना चाहिए, तुम चाहे डंडा चलाओ, चाहे उनको जो है गोली चलाओ, चाहे मार दो उनको, लेकिन ये पोलिंग बूथ पे नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब इनके प्रयासों के बाद पहुंच जाएं या जहां इनके गुंडे नहीं है वहां पहुंच जाएं वो बात अलग है, लेकिन जहां इनका बल चले उनको खुली छूट दी गई कि तुम जो है ना ये पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचना चाहिए। फिर एक दूसरे गुंडों की टीम बनाई गई जो जाके जो है ना बूथ कैप्चरिंग करके उनके फर्जी वोट छापती थी, ठीक है। हम और आप सभी लोग इस व्यवस्था के गवाह हैं। अब सेशन ने जाके बड़ा गड़बड़ कर दिया इसमें। सेशन ने क्या किया, ये इस एलिमेंट को बिल्कुल ढीला कर दिया, क्योंकि अब गुंडों का इस तरीके से यूज करना बहुत मुश्किल हो गया।
तब तक डेवलपमेंट भी हो गया है, सोशल मीडिया भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया है, तो बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि वो आउट ऑफ ईवीएम भी उन्हीं के टाइम में चालू हुआ था। अभी अपन उसको दाएं ना जाएं, अभी अपन अपना फोकस मोमेंटम रखें। तो सेशन के आने से प्रॉब्लम ये हुई कि अब जो है इन गुंडों का यूज ना करके फिर ये चौथी कैटेगरी के लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसमें दो चीजें हुई, एक चीज तो ये हुई कि गुंडों को लगा यार ये हमारे कारण जीत रहे हैं तो फिर हम ही क्यों ना बन जाएं, दिस इज वन थिंग, और इनको लगा कि यार सेशन ने बड़ी गड़बड़ी कर दी है तो अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कि, तो इन्होंने कहा कि क्रिमिनल्स को ही टिकट दे दे, ठीक है ना। अब क्रिमिनल्स को यदि कहते हैं सैयाब है कुतवाल तो डर किस बात का, अब यदि वो क्रिमिनल भी है, गुंडा भी है, बदमाश भी है और उसको पॉलिटिकल वरदहस्त भी प्राप्त है तो सभी जो है ना फिर तो खान बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इन लोगों ने इतना भय व्याप्त कर लिया साइकोलॉजिकल कि ये लोग जेल से भी जीत गए, अभी भी दो लोग जेल से जीते, ठीक है ना। तो और ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। अभी जैसे हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का 2022 का जो चुनाव हुआ है उसमें 403 सदस्यों की विधानसभा है जिसमें 205 व्यक्ति जो है आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, विच मेक्स 51%। जो अभी आपका पार्लियामेंट चल रहा है 2019 से 2024 के बीच वाला, इसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं एंड 29% 1% कम 29% जो है वो जघन्य अपराधों के अपराधी हैं जिसमें हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, रेप जैसे अपराध, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ही एक्सेप्शन केसेस में क्रिमिनल्स को दे रहे हैं, अब ये छांट के बढ़ती जा रही पॉपुलेशन नहीं, छांट के जो है ना क्रिमिनल्स को ढूंढ रहे हैं और यदि उसमें जाति और धर्म का तड़का लगा हो तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, मतलब अपराधी भी हो और जाति और धर्म का फायदा भी ले लें तो फिर उससे सोने में सुहागा है। क्या आप सहमत हैं कि ये चार पांच तरीके के जो हमने नमूने बताए हैं इसमें कैटेगरी आप हटाना चाहेंगे या जोड़ना चाहेंगे, या आपको लगता है कि लगभग बाय एंड लार्ज कंप्लीट हो गया है, या एक आध कोई चीज जोड़ना चाहेंगे? जो बाद वाली कैटेगरी है यही सबसे ज्यादा घातक है। नहीं, अभी अभी अपन इवैल्यूएट नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि चार लोगों को टिकट देंगे, इन चार में से ही आपको वोट देके किसी एक को चुनोगे तो यही लोग चुने जाएंगे ना फाइनली, इसलिए बहुत जरूरी है। दिस इज द ऑप्शन विच इज बीइंग ऑफर्ड बाय दिस पीपल एंड ये किसी पार्टी विशेष की कहानी नहीं है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज की कहानी है, राइट। ये कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं कहा जा रहा है, बन एंड लॉर्ड ऑल दे आर डूइंग दिस, राइट। अब चलो दूसरे पहलू पे आते हैं कि ये चुनाव कैसे जीतते हैं। मैंने इसमें बड़ी रिसर्च की है क्योंकि जीतना है ना, तो इन सब लोगों ने अपने अपने एक आईटी सेल बना दी है और वो लोग मैं जिला प्रभारी आईटी सेल वगैरह कह के जो है ना तमगा लगा के और विजिटिंग कार्ड लेके भी आजकल घूमने लगे हैं, तो कोई सीक्रेट नहीं है, राइट। आईटी सेल के जो है ना तीन बड़े काम है। पहला काम ये है कि अपने जो है छोटे काम को, अपनी छोटी स्कीमों को जिनका ग्राउंड पे कोई इम्पैक्ट भी ना आया हो, उनको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जो है ना बिलो करके अपना महिमा वर्णन करके अपनी लाइन जितनी बड़ी हो सकती है करती जाए। इनका दूसरा काम ये है कि जो अपोनेंट हैं उनकी कहीं कहीं कुछ कुछ क्लिपिंग मिल जाए जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उठा के उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिलो करके उसकी लाइन जितनी छोटी हो सकती है वो कर दिया जाए। और इनका तीसरा काम ये कि चूंकि इस आईटी फील्ड में है तो ये आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि कौन से सोशल मीडियाज हैं जिनकी व्यूअरशिप अपने मेहनत के कारण ज़्यादा हो गई है, तो उनको जो है जैसे कि कॉरपोरेशंस जो है ना बड़े बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को जो है मोटी सैलरी देके जो है अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही इन सोशल होल्डर्स को ये लोग परचेज करके अपने पॉकेट में रखते हैं। इसलिए देखिए अधिकांश सोशल हैंडलर इस समय सोशल मीडिया के हैंडलर्स वो किसी न किसी का गाना गा रहे हैं क्योंकि दे हैव बीन परचेज, नाउ दे आर ऑन द पे लिस्ट, राइट, इंक्लूडिंग टीवी चैनल्स आल्सो। अभी आ रहे हैं वो, तो अभी तो अपन आईटी सेल की ही बात कर रहे थे, तो आईटी सेल सोशल मीडिया दो चीजें इसमें निपट गई हैं। अब तीसरा आएंगे कि ये लोग पेड न्यूज देते हैं, राइट, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी, राइट। और अब उससे एक कदम और आगे भी जाते हैं
कि जो है ना इनके इंडस्ट्रियलिस्ट इंटरेस्ट भी पूरे होते रहें, तो यदि मान लो वो हमारी बात नहीं मानेगा तो हम उसके उसको हिट करेंगे, क्योंकि सभी जो है ना हाउसेस के अपने इंडस्ट्री हाउसेस हैं, उनके अपने इस्टेब्लिशमेंट हैं, तो उसके ऊपर दबाव बनाकर भी उनको ये ब्लैकमेल करते हैं, तो पैसा भी दे देते हैं। तो जहाँ जो है पैसा काम करे, जहाँ पे गाजर काम करे वहाँ गाजर, कैरेट एंड स्टिक, और नहीं तो जो है ना दो चार छापे पड़वा के तुम्हारी इधर तबीयत ठीक कर दी तो तुमको तो हमारी बात माननी पड़ेगी। और एक चौथी तीसरी चीज़ और भी रहती है कि हम आपको मेंबर राज्यसभा बना देंगे, तो जो जो जिस में आ जाए, फिर बाद में हो सकता है मंत्री भी बना दें, तो जो जिस घुट्टी में काम बन जाए तो वो वैसा कर लें, राइट। अब इन्होंने जो है बहुत इनोवेटिव है हमारे राजनेता। देखिए आपने पढ़ा होगा बचपन में कि आप डिमांड और सप्लाई का मैनेजमेंट कैसे करते थे, एक डिमांड का चार्ट खेते थे, उसको एक्स्ट्रा अपलोड करते थे, फिर कैलकुलेट करते थे कि ईयर फलाने में इतना होगा, फिर आप जो है डिमांड करते थे कि हम इसको प्रोडक्शन कैसे करेंगे टू मीट आउट दिस डिमांड। फिर आ गया ये स्टार्टअप इनोवेशन का सेल, तो हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि आपकी आवश्यकताएँ क्या है और हम क्या ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जिससे आपकी आवश्यकता पूर्त हो, तो हम पहले प्रोडक्ट बनाते हैं इन एंटीसिपेशन एंड एनालिसिस ऑफ योर नीड, और उस नीड के आधार पर फिर हम जो है वो प्रोडक्ट लेके आते हैं और उसकी मार्केटिंग करके हम उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करते हैं, और इतनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट करते हैं बिकॉज दैट इज ए वेल रिसर्च एंड एनालाइज थिंग, तो वो लोगों को लगता है आई नीड इट, राइट। ओवरनाइट उसकी सेल जो है ना होती है और बिलियंस डॉलर की कंपनी बन जाती है। इसी मॉडल को जो है राजनेताओं ने कैसे यूज किया मैं आपको बताता हूँ। इसमें राजनेता क्या करते हैं, ये जो सर्वे कराते हैं, सर्वे इज ए प्रोडक्ट के जो है ना भाजपा जो है इतने इससे जीत रही है, कांग्रेस इससे जीत रही है, यहाँ पे ये जीत रहे हैं। अब आपने एक प्रोडक्ट क्रिएट करा दिया है, अब उसको आपको सेल करना है, जैसे ही आप उसको सेल कर पाए तो वो जो प्रोडक्ट जो प्रेडिक्शंस हैं वो रियलाइजेशन में कन्वर्ट हो गए थ्रू मार्केटिंग, राइट। तो एक एनालिसिस किया, अरे इतने यहाँ 30% ठीक रहेगा या 20% ठीक रहेगा, एक चार्ट बना के उसको दे दिया, नाउ तुम जो है ना एक अच्छी खासी रिपोर्ट बनाओ, अच्छे पाई डायग्राम खींचो, ये करो वो करो, अब एक सेलिएबल प्रोडक्ट बन गया, उस प्रोडक्ट को जो है ना फिर ये बेच लेके और अपना जो है ना हवा बना लेते हैं। अब जो है नेक्स्ट मॉडल इनका रहता है वो रहता है आम सभाएं, राइट। तो आम सभाएं भी जैसे अभी तक पेड सब चीज़ें हो रही हैं, आम सभाएं भी पेड होती हैं, तो उसमें गाड़ियाँ भेजी जाती हैं, उनके लंच डिनर का व्यवस्था होती है, ऊपर से 500 रुपए भी दिए जाते हैं, तो जो क्राउड का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ की वोटर भी नहीं है, क्राउड मींस नॉट एक्चुअली वोटर्स, खरीदे हुए लोगों की भीड़ इकट्ठी की जाती है और एक हवा बनाई जाती है कि हम पॉपुलर हैं, हम ही जीतने वाले हैं, है? चाहे वो विदेशों में भी हो तो उसमें भी मोदी 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 कराया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, अब अपन पहुंच गए हैं कि आम सभाएं भी फर्जी हो गई हैं। अब इसके लिए अब आपको जो है गरीब रखना और दारूखोर बनाना बहुत जरूरी है, यही कारण है चाहे केजरीवाल हो कोई हो, गली गली कूचे कूचे में जो है ना दारू की दुकान पहुंच जाना चाहिए, और जहां नहीं पहुंची है वहां पाउच पहुंच जाएगा, चाहे इलीगली पहुंचेगा, राइट। आज मजदूर जो है वो खाना नहीं खा रहा है, वो पाउच पी रहा है और नमकीन खा रहा है, उसका शरीर जो है ना 30 साल की उम्र में जो है ना ऐसा कप रहा है जैसे कि जो है ना वो बांस जैसा हिल रहा है, वो एक कपड़ा उस पर टंगा हुआ है और वो उसमें इतनी शारीरिक क्षमता नहीं रह गई है कि वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक श्रम कर ले, जबकि वो अपने आप को मजदूर कह रहा है, हमने इनको अपने आप को इतनी बुरी स्थिति में ढकेल दिया है, अब हम आपके जो है ना वोट खरीदना चाहते हैं पैसे देके, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप गरीब रहें। तो दारूखोर होना और गरीब होना हमारी पॉलिटिकल मजबूरी है, गरीब और अनपढ़ जितने रहेंगे उतना उनके लिए बेनिफिशियल, राइट। तो इसलिए तो जो है लोग कहते भाई तुम जो है ना अच्छे स्कूल में पढ़ने मत जाओ, तो पहले पढ़ो ही मत तो और अच्छी बात है, पढ़ो तो फिर मदरसों में पढ़ो, क्योंकि फिर तुम्हारा ब्रेन वॉश रहेगा तो वोट बैंक बन जाओगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये बड़ी साजिश है, छोटी साजिश नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है। तो अब अपन जो है आ गए हैं कि दारू, पैसा और फ्री भी, इन तीन टूल के माध्यम से एक वोट बैंक क्रिएट किया। अब जो फाइनल टूल रह गया है वो है जाति और धर्म के आधार पर भय पैदा करके डरा के अपने वोट बैंक में कन्वर्ट करना। तो कोई मुस्लिम को वोट बैंक में कन्वर्ट कर रहा है, कोई हिंदू को कर रहा है, हितैषी कोई किसी का नहीं। आप ये बताइए ना,
एक 1991 में एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट नामक जो है एक कानून बनाया गया, वो सरकार थी मिस्टर नरसिम्हा राव की, कॉलिशन गवर्नमेंट थी, बैसाखी वाली सरकार थी, उसने आपके मुंह पे करारा थप्पड़ दिया कि साले भारतीय गुलामों, तुझे तो न्याय मांगने का भी हक नहीं होना चाहिए। तो ये 8 सेक्शन का छोटा सा एक्ट है ये, जिसका 4th सेक्शन कहता है नो कोर्ट्स आर डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। तो पहला उसने कहा कि राम जन्मभूमि को छोड़कर बाकी जितने भी धर्म स्थान 15 अगस्त 1947 के दिन जिस चीज के लिए यूज हो रहे होंगे उसी चीज में होंगे। तो इसलिए जो अभी मजिस्ट्रेट ने जो है सर्वे अर्वे कहा है वो इलीगल है, क्योंकि आपने तो कानून में लिख दिया भाई उस डेट को जो है ना वो मस्जिद थी, इसमें कोई संदेह है क्या? उसके पहले रही होगी वो चीज़ क्या है? ये चीज हम आदमी आम आदमी को बताया तो क्या मजिस्ट्रेट उसका लॉ के बारे में? अरे भाई आप जो है ना मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट सभी के पेरोल पे हैं, कहाँ चक्कर में पड़े हुए आप जो है ना? अभी हमको हाईकोर्ट जज भी तो बनना है आपका, छोड़ो इन बातों को। अब मतलब लीगली पॉइंट से कह रहे हैं, बाकी भाई लीगल पॉइंट से तो हमारा ये कहना है कि आप जो है उसके इतिहास में क्यों जाना चाहते हो? कानून तो बड़ा स्पष्ट है कि 15 अगस्त 1947 को ये किस जगह के लिए यूज हो रहा था। तो 15 अगस्त 1947 को वो ज्ञानवापी जो है मस्जिद के रूप में यूज हो रही थी, इसमें कोई संदेह? तो 15 अगस्त 1947 के पहले वो किस रूप में थी, तुम्हें जानने का हक क्यों है? तो मतलब मजिस्ट्रेट का जो डिसीजन है बिल्कुल 200% नहीं, इस कानून के हिसाब से वो इलीगल डिसीजन है। राइट, इस कानून के हिसाब से ये समझना बहुत जरूरी है। वैसे तो वो बहुत सही डिसीजन है, लेकिन इस कानून के हिसाब से वो इलीगल डिसीजन है। और यही मुस्लिम्स कह भी रहे हैं उसमें कि भाई जो है ना ये तो इलीगल है, आप सर्वे क्यों करा रहे हो? हु आर यू भाई? 15 अगस्त के बारे में कोई संदेह है क्या तुमको? 15 अगस्त 1947 वो तो जो प्राइम अफेसी उसको जो है वही एडमिटेबल नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ इसको और आगे समझने की कोशिश करो। आपने उसमें एक और वो कर दिया है कि राम जन्मभूमि को छोड़ के बाकी और कोई विवाद यदि किसी कोर्ट में चल रहा है तो वो इसी सिद्धांत के तहत निर्णित किया जाए। मतलब ये इससे भी आदि, आप जो है ना किसी ने जो है 78 में 74 में 47 में 50 में भी यदि कोई केस चलाया हुआ है कि साहब इसमें ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन केसेस को भी क्लोज करना है इसी सिद्धांत के तहत। कितना आसान सिद्धांत है, 15 अगस्त 1947 को जिस रूप में है उसी रूप में आप कर लिए, बात खत्म, फिनिश्ड, क्लियर। अब जो है समय समय पर आतताई और आक्रमणकारी आए, उन्होंने जो है हत्याएं की, उन्होंने आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, आपकी महिलाओं को जो है दो दो दिनारों में ना केवल बेचा बल्कि इस तरह के स्तूप भी लगाए। राइट, ऐसी मीनारें अभी अवेलेबल हैं, आपको मालूम होना चाहिए कहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ भारतीय महिलाओं को दो दो दिनारों में बेचा जाता था ऐसा लिखा हुआ है। राइट, तो और उन्होंने अपने शक्ति प्रदर्शन और अपने शक्ति को दिखाने का एक तरीका जो है ना, जो कि आम हो गया, जो किसी को सभी ने किया, कि आपके जो है आस्था के सिंबल मंदिरों को तोड़ा जाए और मूर्तियों को तोड़ा जाए, और एक रिवाज सा बना गया जलील होते रहे, जलील करने के लिए आपको, वो करने के लिए, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग है उसके ऊपर थूक, उसको जानबूझ के वो वैसा बनाया गया जिससे हर कोई उस पर थूके। मतलब ये जो है उस समय के शासकों की कुत्सित चाल थी। तो यदि जो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, यदि ये किसी ने गलत कानून बना दिया जिसमें आपको न्याय की भीख मांगने का भी हक नहीं दिया, और लगातार आपके ऊपर ही सब अत्याचार हुए हैं पिछले 1100 वर्षों में, तो सबसे ज्यादा रिहैबिलिटेशन, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की किसको जरूरत थी? भारतीय हिंदुओं को, उनके वेदों को, उनके ज्ञान को, उनकी शिक्षा को, उनकी चिकित्सा पद्धति को। आपने तो वो नहीं किया, किया क्या? नहीं किया, नहीं किया। तो जो ये ठेकेदार बन रहे हैं हिंदुओं के, उन्होंने एक ढेले भर का काम मुझे बता दो जो किया हो, जो कि नियम कानूनों के तहत हो। तो आपका संविधान कहता है कि आपको ये फंडामेंटल राइट है कि आपको जाति, धर्म, रेस, क्रीड और रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इट इज योर फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है, और ढेर सारे सभी जो है ना फंडामेंटल राइट में, जो जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो इसी फिलॉसफी के तहत रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अंग्रेजों की बात तो समझ में आती है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड बना दिया क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में थे। भैया
नेहरू जी की बात भी मुझे समझ में आती है क्योंकि वो तो इसी पॉलिटिक्स से ही चल रहे थे जो हमने चार तरीके बता दिए उनको, तो तुष्टिकरण में थे। यदि आप हिंदुओं के ठेकेदार हैं तो आपने वक्फ बोर्ड एक्ट को निरस्त क्यों नहीं किया, नहीं तो उसी के समकक्ष सभी धर्मों के लिए आप बोर्ड बना दीजिए, हिंदू टेम्पल्स एक्ट और फलाना एक्ट और ये एक्ट और क्रिश्चियंस एक्ट और सभी का जो जो है, सभी जितने भी धर्म है सभी धर्म के लिए बनाइए आप, दे शुड बी ऑन इक्वल फुटिंग। ऐसा तो नहीं किया आपने। जब जो है रिलीजन के आधार पर प्रोहिबिटेड है डिस्क्रिमिनेशन, तो ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री कैसे बन जाएगी, किस काम के लिए है टू डिस्क्रिमिनेट? ये पहला हक तो नहीं कहा है रिसोर्सेज पे। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान ऐसा नहीं कह रहा है। देखिए विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, मेजॉरिटी जो है बाय बीइंग मेजॉरिटी दे एंजॉय द बेस्ट पावर। भारत ही इकलौता देश है जहां वो कहते हैं कि साहब हमको कॉमन सिविल राइट दे दीजिए, हमें इनके बराबर कर दीजिए। उल्टा है चले। नहीं, उल्टा इसलिए है क्योंकि आप गुलाम हैं और आपके जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो दुष्ट लोग हैं, धृष्ट लोग हैं, जिनकी सोच कुत्सित है। चार तरीके के लोग हैं तो वो अपने कर लिया है, कैसे जीत रहे हैं उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अब तीसरी बात पे चर्चा कर लेते हैं। आप ये बताइए वो आपके बोर्ड से चुने गए हैं तो आप के रिप्रेजेंटेटिव हुए कि नहीं हुए? थ्योरेटिकली मान लेते हैं हुए, लेकिन वो एक बार भी नहीं कहते हैं कि वो आपके रिप्रेजेंटेटिव। वो कहते हैं मैं तो बीजेपी का हूँ, मैं तो कांग्रेस का हूँ, मैं तो फलाने का हूँ, मैं तो सपा का हूँ। तो दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। डू यू एग्री विद दिस? आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो फिर आप क्या हैं? आप अपने आप को जरा एक बार एनालाइज करो। तो हमने आपको जो नाम दिया है कि आप वोट देने वाले गुलाम हैं और जो वोट देने की जो क्षमता है दैट इज वर्किंग अगेंस्ट यू, वो ना आपको शिक्षित होने दे रही है, ना वो आपको समर्थ होने दे रही है, ना वो आपको फ्रीबी की आदत लगाई जा रही है, आपको दारू की लगाई जा रही है। आपको गरीब रखना हमारा धर्म है क्योंकि यदि आप गरीब नहीं होंगे तो आप हमको, हम आपके बोर्ड को कैसे खरीद पाएंगे? डू यू एग्री विद दिस एनालिसिस? यस यस। तो अब इसमें परिवर्तन होना चाहिए, होना चाहिए। चलिए, तो ये जो सत्यनारायण कथा का द्वितीय अध्याय यहाँ पे